नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव उधमपुर सीट पर कल होंगे, उधमपुर कठुआ सीट पर कल होंगे चुनाव मतदान। और आपको ये भी बता दें कि वहां पर इस समय जो है लगभग 2637 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 1472 में जो है वेबकास्टिंग भी की गई है। इस समय की बड़ी अपडेट यही है कि कल जिस तरह से मतदान होंगे और इसको लेकर जो है लगभग तैयारियां पूर्ण रूप से कर दी गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि 18 विधानसभा क्षेत्रों में 16,707 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है उधमपुर संसदीय क्षेत्र। और आपको यह भी बता दें कि इस निर्वाचन क्षेत्र में लगभग जो है 8 लाख के करीब जो है पुरुष हैं और 7 लाख से ज्यादा जो है महिलाएं हैं और 13 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। तो कल जो है मतदान होने वाला है जिसको लेकर तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं और कल उधमपुर कठुआ सीट में का जो है पहला चुनाव, पहला फेज जो है शुरू होने वाला है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस उधमपुर कठुआ में जो है 12 प्रत्याशी जो है इसका सांसद जो है इस समय मौजूद हैं, प्रत्याशी मौजूद हैं, जिनमें से एक जो है सांसद चुनेंगे। और मतदाताओं की पारदर्शिता के लिए लगभग 1472 जो है मतदान केंद्र वेबकास्टिंग सुविधाएं से लैस कर दिए गए हैं। 5 जिला 18 विधानसभा क्षेत्रों में जो है थर्ड जेंडर मतदाता है। तो ये कल जो है मतदान होने वाले हैं और जिसको लेकर जो है तमाम इस समय तैयारियां जो है पूर्ण रूप से कर दी गई हैं। और हम आपसे भी अपील करते हैं कि अपना वोट जो है जरूर दें, क्योंकि वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। कल पहले फेज का, पहले चरण का पहला मतदान होने जा रहा है उधमपुर कठुआ सीट में, जहां पर इस समय अगर बात की जाए तो लगभग जो है 16 लाख से ज्यादा जो है इसमें मतदान जो है वोट देकर किसी एक प्रत्याशी को जो है सांसद चुनेंगे। और इस समय जो है तैयारियां वहां पर दमखम से चल रही हैं और कल आप जरूर वोट करने जाएं। उधमपुर कठुआ सीट का जो है पहला फेज शुरू होने वाला है और पहले फेज को लेकर जो है इस समय भी जो है तैयारियां जो है लगभग कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि अब इम्पॉर्टेंट है वोट देना, क्योंकि हम अपने ही वोट के माध्यम से एक एक वोट जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हर कोई अगर वोट देगा तो अपनी चुनिंदा सरकार जो है बना सकता है। इस समय जो है लगातार देखा जा रहा है कि सियासी गलियारों में हलचल जो है लगातार मची हुई है। कंपेनिंग का आपने दौर भी देखा कि लगातार बीजेपी कांग्रेस जो है किस तरह से कंपेनिंग कर अपने जो है लोगों का दिल रुझा रही है। और वहीं स्टार कंपेनर्स भी जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशियों के हक में, उनके पक्ष में जो है वोट की डिमांड की जाए। ऐसे में कल जो पहला फेज है और पहले फेज के पहले चरण का जो मतदान है कल होगा उधमपुर कठुआ सीट को लेकर, और जिसमें मैंने आपको बताया कि लगभग 16 लाख से ज्यादा जो है इसमें मतदान होंगे और 18 जो है प्रत्याशी हैं, जिनमें से एक जो है सांसद चुना जाएगा। तो अपना वोट जरूर दीजिए, अपने वोट को जाया ना करें। अक्सर हम देखते हैं कि वोट के दिन जो है, मतदान के दिन जो है छुट्टी होती है और ऐसे में हम लोग वोट नहीं देते, कोशिश करते हैं कि हम इस छुट्टी को घर पर ही इंजॉय करें। लेकिन वोट देना हम सबका हक है, हम सबका राइट है। तो अपना वोट जरूर दीजिए और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को सांसद जरूर बनाए। तो ये थी फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद। फिर...